नमस्कार दोस्तों, कुछ एग्जोटिक फ्रूट प्लांट हमने सुक्त्रा नर्सरी वेस्ट बंगाल से मंगाए हैं। तो आज इन प्लांट की हम अनबॉक्सिंग करेंगे, तो वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए, सबसे पहले हम कैंची की सहायता से प्लास्टिक की रस्सी को काट रहे हैं। इसके बाद चाकू की सहायता से टेप को काटा जा रहा है। टेप को काटने के बाद धीरे धीरे बॉक्स को खोल रहे हैं। बॉक्स के अंदर चार बांस के लकड़ी के टुकड़े होते हैं। यह नर्सरी वाले पौधों की सेफ्टी के लिए डालते हैं, ताकि ऑनलाइन जब पौधे मंगाते हैं तो किसी भी प्लांट को कोई नुकसान न हो। यह पहला फ्रूट प्लांट मिस इंडिया रेड बेर का प्लांट है और प्लांट काफी स्वस्थ है। यह पौधे का ग्राफ्टेड हिस्सा है। और दूसरा फ्रूट प्लांट भी काफी स्वस्थ है। यह ओल्ड टाइम चीकू का फ्रूट प्लांट है। और यह तीसरा प्लांट भी ओल्ड टाइम चीकू का फ्रूट प्लांट है। यह प्लांट मेरे किसी फ्रेंड ने मंगवाया है। और चौथा फ्रूट प्लांट बिग साइज रेड वाटर एप्पल का फ्रूट प्लांट है। आज हम एक महीने पहले जो प्लांट मंगाए थे उनकी भी अपडेट दिखाएंगे। यह देखिए, काटिमोन मैंगो पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अगस्त के महीने में ही इस पौधे पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। यह पौधा हमने एक महीने पहले लगाया था। यह काटिमोन मैंगो का दूसरा फ्रूट प्लांट है। इस पर नई लीव्स आई हैं। इस फ्रूट प्लांट पर साल में 3 बार आम लगते हैं। यह जापान रेड डायमंड अमरूद का फ्रूट प्लांट है। यह भी काफी स्वस्थ है और एक महीने के अंदर इस पर नए पत्ते आ गए हैं। यह कश्मीरी रेड बेर का प्लांट है। इस प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है। एक महीने के अंदर इसकी हाइट लगभग 3 फीट के करीब हो गई है। यह बिग साइज रेड वाटर एप्पल का फ्रूट प्लांट है। अगर मेरे किसी भी फ्रेंड को इस तरह के फ्रूट प्लांट मंगाने हो तो नर्सरी का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।